बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेता आशीष विद्यार्थी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाए हैं। इसकी वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी शादी है। आशीष विद्यार्थी ने 60 साल की उम्र में 33 साल की रूपाली बरुआ से शादी रचाई है। आशीष विद्यार्थी ने अब 60 की उम्र में अपने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच कोर्ट मैरिज की। एक्टर ने असम की रहने वाली रूपाली बरुआ को अपना हम सफर चुना है। दोनों ने कोलकाता में सादगी से एक दूसरे के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने की कसम खाई। दूसरी शादी करने के बाद आशीष विद्यार्थी ने कहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर रूपाली से शादी करना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है। रिपोर्ट के अनुसार रूपाली बरुआ फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और कोलकाता में उनका एक फैशन स्टोर भी है। रूपाली बरुआ उम्र में आशीष विद्यार्थी से काफी छोटी हैं। वे 33 साल की हैं। इसके साथ ही संपत्ति की बात करें तो इसमें भी बड़ा अंतर है। रूपाली बरुआ की कुल संपत्ति लगभग $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए है। रूपाली की आय मुख्य रूप से उनके मॉडलिंग, असाइनमेंट और सोशल मीडिया के जरिए होती है। वे सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। आशीष विद्यार्थी की बात करें तो बॉलीवुड में वे अपने खलनायक की भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय हैं। उनका जन्म 19 जून 1962 को दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने न केवल बॉलीवुड बल्कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ की कई फिल्मों में काम किया है। वे फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए मोटी कमाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता की संपत्ति लगभग $10 मिलियन यानी 82 करोड़ रुपए है। अभिनेता की मंथली इनकम की बात करें तो ये करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। एक फिल्म में अभिनय करने के लिए वे 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। उन्होंने अब तक 11 विभिन्न भाषाओं में लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। हाल ही में एक्टर अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म गुडबाय में भी नजर आए हैं। पिछले कुछ समय से विद्यार्थी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वे फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बता दें कि आशीष विद्यार्थी की पहली शादी गुजरे जमाने की अभिनेत्री शकुंतला बरुआ की बेटी राजोशी बरुआ से हुई थी। दूसरी ओर आशीष विद्यार्थी की शादी की खबर के बाद उनकी पत्नी राजोशी बरुआ उर्फ पिल्लो ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की है। राजोशी ने 2 पोस्ट के जरिए मन के दर्द को बयां किया है। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सही व्यक्ति आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। वो इंसान ऐसी चीज नहीं करेगा जो वो जानता है कि आपको तकलीफ देती है, इस बात को याद रखना। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ज़्यादा सोचना और शक करना इस वक्त आपके दिमाग से निकल जाए। हो सकता है कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और आपको सब साफ दिखने लगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।